મોરબીમાં ટ્રક ટ્રાન્સપોર્ટ એસોસિએશનની ઓફિસનું ઉદ્ઘાટન રાજ્યના મંત્રી વાસણભાઈ આહિરના હસ્તે કરાયું હતું. આ પ્રસંગે રાજસ્થાનના ધારાસભ્ય બિહારીલાલ બિસ્રોઈ સહિતના મહાનુભાવો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ બાબતે વિગતો વાસણભાઈ આહિરે આપી હતી. અહેવાલ રવિ માવત, મોરબી. દેખીએ, મોરબી જામ બેઠે હૈ, યે દુનિયા કે નકશે પે સિરેમિક હબ કે નામ સે જાના જાતા હૈ. और राजस्थान से इसका एक बहुत गहरा नाता है. यहाँ जो सिरेमिक हब है, इंडस्ट्रियल एरिया है, हजारों फैक्ट्रियां हैं और उनका जो रॉ मटेरियल आता है वो राजस्थान से आता है. और यहाँ ट्रांसपोर्ट व्यवसाय में राजस्थान के भी करोड़ों लाखों ट्रक वाले इस व्यवसाय से जुड़े हुए. ये महत्वपूर्ण व्यवसाय है राजस्थान के भी किसान परिवारों का. तो हमारे यहाँ राजस्थान के, पूरे राजस्थान के सैकड़ों लोग यहाँ भी ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय करते हैं. तो ये सब एक सब में सब एक के साथ इस तरह के सहकार के भाव से वासन भाई के नेतृत्व में काम हो रहा. और उनकी बहबूदी के लिए भी, उनके भी मैं छोटी मोटी बातें, समस्याएं जो कभी आती है हमारे सामने, वासन भाई के सामने हम रखते हैं या दूर भी करते हैं लगातार, उनसे संपर्क में जुड़े हुए उनके बीच के. तो मोरबी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा जे भवन में अत्यारे आपणे बैठा छे, ए रुपया लगभग 85 लाख रुपया खर्चे नूतन ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन कार्यालय लोकार्पण हतु. अने लोकार्पण करवामां आव्युं अने मारा अखिल गुजरात ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन कारोबारी समिति पण मोरबीना आमंत्रणने मान आपीने अहींया राखवामां आवी छे. एटले बंने कार्यक्रमो होवाने कारणे आजे मोरबीने आ लाभ मळ्यो छे. आपे जोयुं तेम खूब ज उत्साह अने अनेरो उत्साह तमने ट्रांसपोर्टर भाईओ अने बधा ज आगेवानोमां जोवा मळ्यो छे. आवनारा दिवसोनी अंदर अने जे छेल्ला 1.5 वर्षमां कोरोनाए महामारी फैलावी हती, ए कोरोनामां पण ट्रांसपोर्ट उद्योगे जे एक માનવતાનું ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું છે. ટ્રાન્સપોર્ટરો ટ્રાન્સપોર્ટને સંલગ્ન ધંધાઓ, ટ્રાન્સપોર્ટને લગતા ઓક્સિજનના ટેન્કરો જે વ્યવસ્થિત રીતે એક વોરિયર્સ તરીકે, કોરોના વોરિયર્સ તરીકે કામ કર્યું છે, એને બિરદાવવા માટે પણ આજની મારી કારોબારી એનો ઠરાવ કરશે અને એપ્રિશિયેટ